Hi guys, my name is Vaibhav and welcome to Chalchitra Talks. Today I want to make a tribute video for an artist jinhone mereko bahut inspire kiya hai. I had been planning to make this for quite a while now, but like mereko hamesha lagta tha ki I wouldn't be able to do justice considering how much he has influenced my life, but I am still going ahead with it. This artist is also celebrating his 100th birth anniversary this year. Inka naam hai Ray Bradbury, who is a writer and also he has written screenplays for a lot of films. Ray Bradbury ne apni life mein more than 600 short stories likhi hain and he has written so many novels also. To Ray Bradbury, like I said, ki life mein jo padha hua tha, maine Linklater wale video mein bhi kaha tha. It started with Linklater. Through Linklater, I explored everything about the world of movies. But then came the world of Ray Bradbury. And through him, I discovered a lot of things about literature and especially science fiction. So science fiction mein interest aaya, uske baad like aur in points मिलते गए मेरे को अलग अलग चीजों में. And there is someone else also जो Ray Bradbury के बाद आए थे, but उनके बारे में वीडियो बाद में आएगा. So Ray Bradbury, like I discovered when I was reading a lot of dystopia, the time when I was reading 1984, Brave New World, Handmaid's Tale. Then eventually I also got around to read Fahrenheit 451, जो इनकी सबसे ज़्यादा most renowned book है. So Fahrenheit 451 के बारे में मैंने पहले भी थोड़ा सा बताया है. It's a book about firemen जो actually आग लगाते हैं, आग बुझाते नहीं है, एंड दे बर्न बुक्स एंड इट्स अ यूनिवर्स वेयर नो वन इज अलाउड टू रीड बुक्स बिकॉज दे डोंट वांट यू टू गेट स्मार्ट. सो आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज रीडिंग द लास्ट 70 पेजेस ऑफ फारेनहाइट 451, जो उसके प्रोटैगनिस्ट है इज ट्राइंग टू रन अवे, और उसमें जो पेस उन्होंने मेंटेन की है और जो उसकी राइटिंग है, आई वाज लाइक होली शिट, दिस इज सो सो गुड. मैं बहुत ज्यादा उसको पढ़ के इंप्रेस हो गया था. बट अंटिल दैट मोमेंट Ray Bradbury hasn't started influencing me. It was only when I started reading his short stories or jo collection of short stories inke. The first one being Dandelion Vine. Dandelion Vine ko main meri life ka sabse bada turning points mein se maan sakta hun, because when I read that, unhone jaise usme childhood ke bare mein baat ki hai, nostalgia ke bare mein baat ki hai, memories ke bare mein baat ki hai, I was like, this is something I had been trying to find for all my life. Wo hota na jab aapko ek aisa artist mil jata है जो लाइक आपका सोलमेट होता है ना, वे लाइक जिसको आप इतना ज्यादा लाइक करते हो. इट वाज दैट मोमेंट फॉर मी. इसको मैंने इतना आराम आराम से पढ़ा था बिकॉज आई वाज सो वरीड दैट इट विल गेट ओवर. सो डैंडेलियन वाइन ने जो सबसे बड़ा चेंज लाए थे मेरी लाइफ में Ray Bradbury. एंड डैंडेलियन वाइन के स्टार्टिंग में उन्होंने जो फॉरवर्ड लिखा है उसमें लाइक ही हैज टॉक्ड अबाउट द जॉब ऑफ एन आर्टिस्ट एंड क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है एंड हाउ ही क्रिएटेड द बुक. अगेन उसमें उन्होंने बताया हाउ एट एवरी मॉर्निंग एट 9 AM वो अपने डेस्क पे बैठ जाते थे एंड यूज टू थिंक अबाउट हिज पास्ट मेमोरीज. और वो उन्होंने बताया कैसे जो भी सबसे बड़ा एक इंसान का ट्रेजर होता है वो उनकी चाइल्डहुड मेमोरीज में होता है और वो उन्हें याद करते थे. मैं ये स्टूपिड चीज़ें मैंने जीवन में बहुत बार की है, बट मेरे को कहीं से वैलिडेशन नहीं मिलती थी. और मैंने पढ़ा कि शिट ये करना होता है, दिस इज द जॉब ऑफ एन राइटर, एंड आई वाज लाइक ओके देयर, लाइक मेरे को फाइनली कोई मिल गया है जिससे मैं अग्री कर सकता हूँ. वो चीज़ पढ़ के मैं ऐसा हो गया था, ही गेव मी ऑल द वैलिडेशन आई नीडेड टू बी एन हैप्पी आर्टिस्ट. बिकॉज आप बहुत ही सुनते हो गए टू बिकम एन आर्टिस्ट यू नीड टू बी सैड, यू एटलीस्ट नीड टू नो वॉट सैडनेस मीन्स, यू नीड टू एक्सपीरियंस थिंग्स विच आर सैड. हियर कम्स एन आर्टिस्ट जिन्होंने बहुत खुशी से अपनी लाइफ जी है, बहुत खुशी से आर्ट बनाया है, एंड इवन वाइल डाइंग ही वॉज हैप्पी. सो जब मैंने इनका वर्क्स डिस्कवर किया, आई वॉज लाइक दिस इज समवन आई वॉन्ट टू बी, एंड दिस इज द वे आई वॉन्ट टू लिव लाइफ. आई वॉन्ट टू लिव लाइफ, आई वॉन्ट टू क्रिएट थिंग्स बिकॉज इट मेक्स हैप्पी. सो उसके बाद आई वेंट डीपर इन टू हिज वर्क, देन आई रेड मार्शियन क्रॉनिकल्स, अगेन अ बुक जो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है. दैट वॉज माई प्रॉपर इन पॉइंट इन टू साइफाई. और उसके बाद मैंने इलस्ट्रेटेड मैन पढ़ी. इन दोनों में इतनी प्यारी प्यारी शॉर्ट स्टोरीज हैं दैट आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू रीड बोथ दीस बुक्स. उसके बाद Ray Bradbury की बुक्स में मैंने Zen in the Art of Writing पढ़ी, जो नॉन फिक्शन में आती है. मैं अभी जब बॉम्बे से आ रहा था जयपुर, तो मैं बहुत कम किताबें ला सकता था अपने साथ. सो मेरे पास चॉइस थी कि मतलब कितना लगेज कैरी करना है, तो उनमें 3 या 4 किताबें ही मैं ला सकता था. बट आई मेड श्योर दैट आई ब्रॉट Zen in the Writing विद मी बिकॉज ऑफ हाउ मच इट मीन्स टू मी. एंड आई एम नॉट इवन किडिंग व्हेन आई से आई हैव हाईलाइटेड 75-80% ऑफ द बुक, जो उनके अलग अलग चैप्टर्स है राइटिंग के ऊपर. कुछ एक्चुअल फॉरवर्ड्स है उनकी अलग अलग किताबों से, बट लाइक व्हेन यू लाइक ब्रिंग ऑल ऑफ इट टुगेदर, इट इज समथिंग मॉन्यूमेंटल, एंड दैट इज वॉट मेक्स Zen in the Art of Writing स्पेशल. Ray Bradbury
एक्चुअली की किताबों के अलावा इनकी जो स्पीचेस है मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली वन ऑफ हिज स्पीच इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। आई थिंक वो जब ये स्पीच दे रहे थे ही वॉज 85 to 90 ईयर्स ओल्ड एंड इट्स अमंग माई 3 फेवरेट स्पीचेज ऑफ ऑल टाइम, अदर वन बींग मार्क डुप्लेस की जो कीनोट स्पीच है साउथ बाय साउथ वेस्ट। मैं किसी को बोलता हूँ अगर आप फिल्म मेकर बनना चाहते हो, स्पेशली इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर बनना चाहते हो, तो आप वो मार्क डुप्लेस की स्पीच देखो, बट इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ राइटर यू शुड डेफिनेटली वॉच हिज यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया वाली जो स्पीच है। एक एक लाइन जो उसमें है, लाइक इफ यू आर स्टार्टिंग ऑफ इट विल हेल्प यू सो मच, बिकॉज द मोमेंट ही स्टार्ट्स ऑफ ही सेज यू शुड नॉट राइट अ नॉवल, फर्स्ट यू शुड राइट शॉर्ट स्टोरीज। और मैंने उसको मेरी लाइफ में ऐसे इंप्लीमेंट किया था ये सोच के कि फर्स्ट आई नीड टू मेक अ लॉट ऑफ शॉर्ट फिल्म्स बिफोर आई मेक अ फीचर। यू विल सी अ लॉट ऑफ पैरेलल्स इन रिगार्ड टू व्हाट ही वाज सेइंग, जो आप अपनी लाइफ में कर रहे हो आपको बहुत सारे पैरेलल्स दिखाई देंगे कि अच्छा क्यों पहले शॉर्ट स्टोरीज लिखना जरूरी है। ही सेड यू शुड राइट अ शॉर्ट स्टोरी एवरी वीक एंड सो दैट बाई द एंड ऑफ द ईयर यू हैव 52 शॉर्ट स्टोरीज, एंड देन ही सेज आई कैन गारंटी दैट यू कैनॉट राइट 52 बैड शॉर्ट स्टोरीज बिकॉज उनमें से एक अच्छी होगी। ये चीज़ें मेरे को लाइफ में बहुत ज़्यादा पसंद आई क्योंकि दिस इज़ हाउ आई ऑल्सो क्रिएट, लाइक आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ क्रिएटर जो एक चीज़ बनाएगा एंड इट विल बी ग्रेट। आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन हु विल क्रिएट 10 डिफरेंट थिंग्स एंड वन और टू ऑफ देम विल बी लाइक गुड। सो दैट इज़ वेन आई फाउंड, जैसे रे ब्रैडबेरी की लाइफ में एडगर एलन पो थे, मेरी लाइफ में वो रे ब्रैडबेरी है। एट द एंड ऑफ द स्पीच ही ऑल्सो सेज वन लाइन विच ऑलवेज मेक्स मी क्राई, आई हैज अ गाय हु इज ऑलमोस्ट 90 एंड वेन यू हेयर हिम से आई वॉन्ट यू टू एनवी माई जॉय, एंड वेन ही सेज की डोंट लिसन टू एनी वन हु सेज की यू नीड टू बी सैड टू मेक आर्ट, that really hits home for me because that is something what I am also trying to do in my life. When he says don't try to be political, again that is very debatable, but mereko uska ye matlab laga ki consciously political hone ki koshish mat karo, agar aapke art mein subconsciously wo aa raha hai then it's okay, but consciously aise mat karo try ki yes I have to make something political. All these things like resonated with me a lot because ye cheeze main anyway karne ki koshish kar raha tha, but mereko aisa nahi lagta tha ki koi bhi ye cheez karta hai the way I was making stuff. So when I discovered Ray Bradbury, it just felt so nice. I just hope you also get to experience it. जैसे like अलग अलग जैसे मैंने किया, time to time you find these endpoints. And I think आज की date में मैं Linklater इतना follow नहीं करता हूँ, उनकी मैं ऐसे बैठ के speeches नहीं सुनता हूँ, because at a time he gave me the endpoint to explore 10 different things. उन्हीं की वजह से, had I not discovered Linklater मैं कभी Bradbury नहीं कर पाता, और कभी मैंने अगर Bradbury नहीं किया होता तो मेरा जो love for science fiction है और love for 10 other things जिनके बारे में फ्यूचर में बात करूंगा वो नहीं कर पाता। सो इट्स इंपॉर्टेंट यू फाइंड दीज मेंटर्स टाइम टू टाइम हु शेप योर लाइफ एंड यू शुड लिसन टू व्हाट दे से बिकॉज इट्स ब्यूटिफुल एंड दे कैन वेरी वेल चेंज योर लाइफ। सो दिस इज अ लिटिल ट्रिब्यूट आई वॉन्टेड टू गिव टू रे ब्रैडबेरी। सो आई जस्ट होप आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू पिक अप वन ऑफ द वर्क्स ऑफ रे ब्रैडबेरी and delve into it, and if not a book, watch any of his speeches, and that can be also a good endpoint, and you get to experience what I had experienced or maybe something even far impactful than that, because it's a beautiful feeling and it changed my life, and I just hope it can do the same to you. Thank you.